हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है जो कि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। सूनर आर लेटर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पाकिस्तान में फुली लीगल हो जाएगी, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब खुद क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी ले रहा है। साथ में हम बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस भी करेंगे, ऑल्ट कॉइन्स की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं इसके बारे में भी बात की जाएगी। सबसे पहले न्यूज के ऊपर नजर डाल लेते हैं। नायब बुकेले, जो कि आपको पता है कि एल सेल्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं, और एल सेल्वाडोर एक ऐसा कंट्री है जिसने सबसे पहले बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर पास किया था। नायब बुकेले सेज 44 कंट्रीज टू मीट इन एल सेल्वाडोर टू डिस्कस बिटकॉइन। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इस न्यूज की तरफ देखूं, टुमारो 32 सेंट्रल बैंक्स एंड 12 फाइनेंशियल अथॉरिटीज 44 कंट्रीज विल मीट इन एल सेल्वाडोर टू डिस्कस फाइनेंशियल इंक्लूशन, डिजिटल इकोनॉमी, बैंकिंग, द अनबैंक्ड, द बिटकॉइन रोल आउट एंड इट्स बेनिफिट्स इन आवर कंट्री। ठीक है, यहाँ पर इसका जो सोर्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोज सेंट्रल बैंक्स एंड अथॉरिटीज आर प्राइमरली फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग नाइजेरिया, इजिप्ट, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, कीनिया, युगांडा, रुआंडा, पैरागोए, एंगोला, जिनीवा एंड मेडागास्कर। यहाँ पर इसका जो सोर्स है वो नायबों के लिए कि अगर आप ट्विटर पेज पे जाते हैं तो इन्होंने रिसेंटली 8 आवर पहले ये ट्वीट की है कि टुमारो 32 सेंट्रल बैंक्स एंड 12 फाइनेंशियल अथॉरिटीज, जो कि मैं पहले न्यूज डिस्कस कर चुका हूँ, ये मीटिंग कर रहे हैं नायब बुकेले के साथ एल सेल्वाडोर में। यहाँ पर सेकंड ट्वीट जो कि 7 आवर पहले की गई है, इन्होंने कंफर्म भी किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं, वो भी इस मीटिंग के लिए आ रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान अब खुद क्रिप्टो करेंसी में और बिटकॉइन में दिलचस्पी लेना स्टार्ट हो चुका है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ये इस टेक्नोलॉजी को फुली अंडरस्टैंड करेंगे तो ही ये इसको लीगल टेंडर भी पास करेंगे फ्यूचर में, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और साथ में जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग है ये भी फुली लीगल हो जाएगी। हमें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें सब्र भी रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू आर ए अर्ली बर्ड, जब कोई भी नहीं जानता था दुनिया में तब से आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स भी हैं, इसमें ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया इसके बारे में जानेगी, जब पाकिस्तान में भी ये सारे पाकिस्तान इसके बारे में जानेंगे, तब तक आप मिलियनेयर या बिलियनेयर बन चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जल्दी से बिटकॉइन को कवर कर लूँ तो इस टाइम पे बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $30,000 के अबव ट्रेड हो रही है। ठीक है, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तब इसकी बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $29,900 के करीब थी। तो इस टाइम पे बिटकॉइन की करंट प्राइस है $30,110। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगा कि देखिए, 19 मई को बिटकॉइन की जो प्राइस है वो डंप हुई थी किस प्राइस पे, $29,000 पे। ठीक है, इसके राउंड अबाउट। इसके बाद सेकेंड टाइम इसने इस लेवल को टेस्ट किया वो था 22 जून 2021, पहले मई 21 में किया था, फिर जून 2021 में किया है। इसके बाद थर्ड टाइम इसने किया 20 जुलाई 2021 को, 20 जुलाई को। ठीक है, अब फोर्थ टाइम इसने जो किया है टेस्ट इस लेवल को, वो किया है इसने अभी जो आज ये दो तीन दिन के अंदर अंदर इसने दो दफा टेस्ट किया $29,000 को। अगर हम इसको बिल्कुल एक एग्जैक्ट फिगर में बात करें तो ये बनता है $28,700, $300 का मार्जिन बनता है। यहाँ से बिटकॉइन की जो प्राइस है, इसके बाद उसने अब ट्रेंड लेना स्टार्ट किया था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम इसी तरह अगर ये हिस्ट्री रिपीट होती है। देखें, एक दफ़ा 19 मई से लेके 20 जुलाई तक बिटकॉइन की जो प्राइस है वो राउंड अबाउट रही है 29,000 के पास पास, फिर ऊपर जाती रही है 40,000, फिर नीचे आती गई है। उसके बाद फाइनली इसने अप ट्रेंड स्टार्ट लिया 20 जुलाई के राउंड अबाउट, और बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया $29,000 से राइज होकर $69,000 के राउंड अबाउट। अब यहाँ पे दो दफ़ा बिटकॉइन की प्राइस ने $29,000 के लेवल को टेस्ट किया बिल्कुल इसी तरह ही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, सपोज करें बिटकॉइन का अगर बॉटम है $29,000,
यहां से अगर एक बड़ी रैली आती है तो ये टकरा जाता है 35,000 डॉलर पे, बाद में 40,000 डॉलर तक भी चली जाती है बिटकॉइन की प्राइस, 1 वीक में, 2 वीक में, या रातों रात ही चली जाती है। क्रिप्टो करेंसी का क्या भरोसा है? तो हम फेयरली चांसेस हैं कि यहाँ से बॉटम लग चुका है और हम अप ट्रेंड की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं, और हो सकता है फिर बिटकॉइन की जो प्राइस है वो अप ट्रेंड ले और अपने ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश करे। कम से कम ये अभी भी 40,000 डॉलर तक जाता है तो बहुत सारे लोगों के लॉस रिकवर हो जाएंगे, 45,000 डॉलर तक भी चला जाता है लोगों के लॉस रिकवर भी हो जाएंगे और साथ में उनका प्रॉफिट भी हो जाएगा, राइट। तो अगर जस्ट इन केस बिटकॉइन की प्राइस 28,700 डॉलर के नीचे आता है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा 24,500 डॉलर तक का, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस ने रिसेंटली ये लो बनाया है, तब इसके दरमियान में कोई ट्रेड ना लें। हाँ, बिटकॉइन की प्राइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ फैक्टर, बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 30,000 डॉलर के ऊपर जब भी जाती है ना तो ऑल्टकॉइंस बुलिश होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 30,000 डॉलर का मार्क इस टाइम पे ऑल्टकॉइंस के, अभी ऑल्टकॉइंस को भी साथ साथ में डिस्कस करते हैं, ये वाला जो मार्क है ऑल्टकॉइंस के मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है बिटकॉइन की, जो मैं खुद भी कर रहा हूँ, बिटकॉइन की जो प्राइस है जब भी 30,000 डॉलर के नीचे आती है तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ, 30,000 डॉलर के ऊपर जाती है एंट्री कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी से प्रॉफिट बुक करता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। जितना ये ऊपर जाता जाएगा 30,000 डॉलर के ऊपर, उतना ही फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है वो इम्प्रूव होता जाएगा, मार्केट से जो डर है, पैनिक है, वो दूर होता जाएगा। जितना ये 30,000 के करीब रहेगा मार्केट में कन्फ्यूजन रहेगी, और जितना ये नीचे रहेगा मार्केट में उतनी ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी। ये मैंने मार्केट को अभी के टाइम पे ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ, ऑब्जर्व करके मैं खुद एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ अपनी मनी के साथ, जब मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो आप लोगों के सामने वो स्ट्रेटजी लेके आता हूँ ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें, जिससे मोस्टली जो मेम्बर्स हैं हमारे वो फ़ायदा उठाते हैं। कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो मैं उसका जो फौरी आपको इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी वजह से वो लिंक काम नहीं करता है तो आप, इसका मतलब है आप किसी ऐसी टेरिटरी या कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे टेलीग्राम की जो एप्लीकेशन है वो बैन है, तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो आप VPN का यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उसी के थ्रू ही आप क्रिप्टोनोट्स टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कीजिएगा। क्रिप्टोनोट्स टेलीग्राम के ऊपर देखें, जो दो चार आपको फेक चैनल नज़र आ रहे हैं ना, वो सिर्फ बोर्ड्स हैं, रियल ह्यूमन नहीं है, सही। हमारा जो रियल चैनल उसके ऊपर स्माइलीज ऑन है, आप उसके ऊपर गुड का सिंबल भी दे सकते हैं, थंब अप थंब डाउन का, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लोग रिएक्शन भी देते हैं स्माइलीज में, जैसे स्माइलिंग फेस आ गया, जैसे एंग्री हो गया फेस, तो सारा वो स्माइलीज आप अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे ना, अगर आप फेक का भी करेंगे तो उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रियल ह्यूमन नहीं है, या सिर्फ वही विक्टम्स हैं जो कि इस टाइम पे उसको सच मान के क्रिप्टो नोट्स को वो ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप सही चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा। तो ये थी सूरत हाल क्रिप्टो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की, 30,000 डॉलर के अबव जब तक है ऑल्टकॉइंस पंप भी करेंगे, प्रॉफिट भी दे के जाएंगे। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अच्छी है इस टाइम पर मार्केट, -7% आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा 30,000 डॉलर के नीचे आता है तो मार्केट से एग्जिट कर लें, डिप में बाई करने की कोशिश करें। वो डिप कौन सा होगा जिसमें बाई करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे ट्विटर पेज पे और टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।